अब यहाँ पर हम लोग अगले सेशन में इंटर करते हैं। यहाँ पर अभी तक हम लोग जो किए कि दो पार्टिकल है, चार पार्टिकल है, छह पार्टिकल है, दस पार्टिकल है, तो फील्ड कैसे क्रिएट करता है और किसी पे फोर्स, किसी पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगाता है, ये हम लोगों ने करा। अब हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास। अगर मान लो मास पार्टिकल का संख्या इनफाइनाइट है, काउंट करने के रेंज से बाहर है, तब फिर क्या करेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रॉड है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास ये एक रॉड है जिसका मास एम है और लेंथ एल है। ये रॉड है जिसका मास एम है और लेंथ एल है। एक पॉइंट मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसका कि डिस्टेंस रॉड के एक एंड से, मान लो ये एंड पी है और ये एंड क्यू है, यहां से डिस्टेंस ए पे है। हमें बताना है फाइंड द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास ये एक रॉड है, तो कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि फोर्स बिटवीन दिस टू, इस पार्टिकल पे जो रॉड फोर्स लगाएगा, अगर हम ऐसा लिख दे कि दिस इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम इंटू सेपरेशन, इसका रॉड का सेंटर लेते हैं, रॉड का सेंटर कितना दूर होगा, एल बाई टू, इसका सेंट्रल मास और इस पार्टिकल में सेपरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। कई बार स्टूडेंट यही सोल्यूशन देते हैं फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द पार्टिकल, जबकि पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रॉड है, सेंट्रल मास जो होता है वहां पे हम लोग जब हम सेंट्रल मास का जब हम लेक्चर दे रहे थे तो उसमें हमने बताया था सेंट्रल मास का मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स वहां पे एक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे ऑब्जेक्ट को हम कॉन्सेंट्रेट करा के सेंट्रल मास पे रख दें। ये हमारा जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि रॉड को हम एक पार्टिकल जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही तरीका इसका ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के लिए वैलिड है, बट ये रॉड को हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पॉइंट मास बना के इसके सेंट्रल मास पे रख देंगे, तो इससे ये गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका है कि हम इस रॉड में एक छोटा सा सेगमेंट लें कहीं पे, जितना छोटा ये सेगमेंट हो सकता है उतना छोटा ये सेगमेंट लें, जो कि कितना डिस्टेंस दूर है इस पार्टिकल से, मान लेते हैं इस पार्टिकल से ये एक डिस्टेंस दूर सेपरेटेड है। अब ये जो छोटा सा पार्टिकल, हमने जो छोटा सा सेगमेंट लिया, इसका मास हमारा है मान लो डीएम, तो ये क्या हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डीएक्स, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट, ये हमारा मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट हो गया। अब ये जो डीएम है और ये जो मास है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा दैट इज डीएफ, और वो हो जाएगा जी स्मॉल एम डीएम बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा ये अट्रैक्टिव होगा इधर। दूसरा चीज कि ये हमने डीएफ लिखा, ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये जो डीएफ होगा वो बीच में पार्टिकल है या नहीं है, बीच में मीडियम एयर है, इधर मीडियम कुछ और है, ठीक है, उस पर डिपेंड ये नहीं करेगा। इस पार्टिकल, ये छोटा सा सेगमेंट जो हमने लिया, ये एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, और इस पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा वो किसी और मास पर डिपेंड नहीं करेगा, वो बीच में मीडियम यहां से यहां तक क्या है क्या नहीं है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो ये हमारा फोर्स हो गया डीएफ। अब क्योंकि इसके आगे जो और बाकी पार्टिकल भी होंगे वो सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हम डीएम का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है तो फोर्स को हम स्केलर जैसा भी जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे डीएफ दैट इज इक्वल टू जी स्मॉल एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, डीएम का वैल्यू हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देते, कंपोनेंट देने का यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि सारे फोर्स का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ हमारा एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम बाई एल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस टू इंटू डीएक्स, और एक्स का लिमिट कहां से कहां तक होगा, एक्स का लिमिट चालू होगा ए से, और ए से चल के कहां तक जाएगा फाइनली ए प्लस एल तक, तो ये हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल इंटू वन माइनस वन बाई एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। माइनस वन बाई एक्स मतलब ये हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, ये इंटीग्रेट करने के बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से एफ आ जाएगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एल, और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एल माइनस ए बाई ए इंटू ए प्लस एल, और इसको सॉल्व करेंगे ए ए कट गया, सो फोर्स का वैल्यू जो आ जाएगा ये फोर्स हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू ए इंटू ए प्लस एल, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। जैसा कि हमने देखा कि इसका आंसर बिल्कुल इस आंसर से
अलग है तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। मतलब इसमें हम कभी भी सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट नहीं कराएंगे, मतलब इस रॉड पे और इस पार्टिकल के बीच जो फोर्स होगा वो हो जाएगा gmm बाई ए इंटू ए प्लस एल। और अगर कभी बोला कि इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हमारा और इस पे फील्ड, तो कुछ नहीं करना है, पुट स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg, तो फील्ड हमारा पॉइंट पी पे हो जाएगा, इट इज जी कैपिटल m बाई ए इंटू ए प्लस एल। ये हमारा यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, ये फील्ड का वैल्यू हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर फोर्स बोला तो फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड बोला तो फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मान लो फाइंड फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए होमोजीनियस सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, यहाँ पर सेंटर ओ है, मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्स सेंटर, और इसको ओरिजिन कॉन्साइड करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ओ पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर एक 1 kg का पार्टिकल रख देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 kg का पार्टिकल रख दिए। अब एक छोटा सा सेगमेंट रिंग का लेते हैं जो कि यहाँ से थीटा एंगल पे सिचुएटेड है और इसका यहाँ पर एंगल कितना ये सबटेंड करता है डी थीटा, तो ये जो लेंथ हमारा हो जाएगा ये ds, और ds हमारा जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। अब इस तरह से अगर हम फोर्स का वैल्यू देखें तो ये 1 kg पे इसका मास हो जाएगा dm, और dm जो हमारा हो जाएगा m बाई पाई आर मास पर लेंथ, क्योंकि आर का लेंथ हो जाएगा पाई आर इंटू ds, ds मतलब r d थीटा, तो ये r r कट जाएगा, हमारे पास बचेगा m बाई पाई इंटू डी थीटा। ये जो छोटा सा सेगमेंट हमने यहाँ पे लिया इसका मास ही हो गया। अब ये छोटा सा सेगमेंट जो है यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स का वैल्यू, ये जो फोर्स लगाएगा इस फोर्स का वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा फोर्स या फील्ड, डायरेक्ट बोल देते हैं फील्ड इज इक्वल टू डी, और डी हमारा क्या हो जाएगा, डी इज फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक दैट इज जी डी एम बाई, ये सेपरेशन इन दोनों के बीच कितना रहेगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 kg सेंटर पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे जो डीएम हमने यहाँ पे लिया है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये आर ही रहेगा, सो डी इतना हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि डी, अब यहाँ पे हर जगह डी का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो यहाँ पे डी का डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि डी का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो हम डी का दो कंपोनेंट लेंगे, वो एक लिखेंगे डी एक्स, डी एक्स किधर हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू हम इधर मान लेते हैं, ये हमारा हो गया डी एक्स, और डी एक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डी इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से डी वाई हमारा हो जाएगा डी इंटू साइन थीटा। डी एक्स का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, डी एक्स इज डी, डी मतलब जी डी एम बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और डी एम का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो यहां रख देंगे, तो डी एक्स जो हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू जी एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ई एक्स निकल जाएगा, और थीटा का लिमिट कहां से कहां तक होगा, अगर हम इधर 90 ले रहे हैं क्योंकि थीटा हम इस डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, तो यहां से 0 से 90 और नीचे भी है, तो ये हो जाएगा -90 से +90 तक, तो ई एक्स जो हमारा सॉल्व करके आएगा यहां से ई एक्स हो जाएगा दैट इज कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 91 तो यहाँ 2 times हो जाएगा, ये सॉल्व करके हम लिख दे रहे हैं 2gm बाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा ई एक्स हो जाएगा। इसी तरह से जब ई वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई -90 से +90 तक में ई वाई क्या हो जाएगा टोटल 0, क्योंकि एक्चुअली में ई वाई का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारा डी वाई हो गया। अब डी वाई क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिकल लग रहा है, यहां पर तो दोनों सब क्या होता जा रहा है ex जुड़ता जा रहा है, बट ई वाई एक दूसरे को क्या करता जा रहा है, ये डी वाई और ये डी वाई एक दूसरे को कैंसिल करता चला जाएगा। सो फील्ड एट ओ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2gm बाई पाई आर स्क्वायर, और फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन होगा फील्ड का।